हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स सितंबर मंथ के लिए। दिस इज़ पार्ट वन और पार्ट वन की पहली न्यूज़ रहेगी, सीनियर आईपीएस ऑफिसर बी श्रीनिवासन वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगर हम एनएसजी की बात करें, एनएसजी स्टैंड्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और ये कब आया था, तो देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1986 एंड एनएसजी केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन 22nd of September 1986। अगर हम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करें, इट इज़ वन ऑफ द 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंडर आता है। एंड इसका मोटो रहेगा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। और उसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर बी श्रीनिवासन को। अगली न्यूज़ देखिए, 29th of August को मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। किसके बर्थ एनिवर्सरी पर या फिर किस व्यक्ति को सेलिब्रेट करने के लिए, तो देखिए, टू ऑनर मेजर ध्यानचंद, अ लेजेंडरी हॉकी प्लेयर। कब से, 2012 से हमने 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाना स्टार्ट किया था। एंड अगर हम मेजर ध्यानचंद जी की बात करें, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द विजर्ड ऑफ हॉकी। और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। He started his career in 1926 and अगर उनकी बात करें, उन्होंने 1948 तक इंडिया को 185 गेम्स में रिप्रेजेंट किया, 400 से अधिक गोल्स उसमें किए हैं अपने हॉकी के खेल में। He was instrumental in India's 3 consecutive Olympic gold medals in 1928, 1932 and 1936. आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पहले भारत का हॉकी जो कि राष्ट्रीय खेल है, उसका कितना अच्छा ओलंपिक करियर रहा है। बहुत अच्छी बात यह है कि अभी रिसेंटली भी वापस वो जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो उसमें वापस आ रही है। आगे देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द फिट इंडिया मूवमेंट ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे इन 2019। और अगर हम नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात करें, इस दिन स्पोर्ट्स के जो सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं, जैसे कि भारत का सबसे सर्वोच्च कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था। और उसके अलावा अगर हम देखें, अर्जुन अवार्ड हो गया, ध्यानचंद अवार्ड हो गया, ये सारे पुरस्कार भी इस दिन घोषणा उनकी की जाती है। तो आपको याद रखना है, 29th of August नेशनल स्पोर्ट्स डे, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म उपलक्ष पर या फिर जन्मदिवस के उपलक्ष पर हम मनाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है क्रिकेट से, जय शाह इलेक्टेड अनअपोज्ड एज इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ ICC। जय शाह को ICC के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। अगर हम जय शाह जी की बात करें, वर्तमान में ये BCCI के चेयरमैन हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, उसके चेयरमैन हैं, उसके अध्यक्ष हैं। और अब ये 1st of December से बनने जा रहे हैं ICC के अब तक के यंगेस्ट चेयरमैन इन द एज ऑफ 35। किसे रिप्लेस करेंगे, तो ये रिप्लेस करेंगे न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्टले को, जिनका कार्यकाल 1st of December को ख़त्म होगा। और नेक्स्ट ICC चेयरपर्सन बनेंगे भारत के जय शाह। He was elected unopposed as BCCI secretary in October 2019। मैंने ऊपर चेयरपर्सन कह दिया, बट येस, 2019 में इन्हें BCCI सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया था। एंड सिंस 2021 ही हैज़ ऑल्सो बिन सर्विंग एज एशियन क्रिकेट काउंसिल चेयरपर्सन। और अब आगे क्या बनने जा रहे हैं, तो ICC के चेयरपर्सन। अगली न्यूज़ है, पाकिस्तानी क्रिश्चियन इज़ फर्स्ट गोअन टू गेट इंडियन सिटीजनशिप अंडर CAA। पाकिस्तानी ईसाई CAA के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाले पहले गोवा वासी हैं। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सुना होगा, 2019 में लाया गया था, जब आया बहुत ज़्यादा विरोध इसका देश भर में हुआ था। और ये एक्ट क्या कहता है, देखिए, ये एक्ट पर्टिकुलरली भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो भी स्पेशली बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों से कुछ लोगों को भारतीय नागरिकता पाने का एक अवसर देता है। कौन से लोगों को, इन 6 धर्मों के लोगों को, हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन, पारसी एंड बुद्धिस्ट। अब इसको इतना कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए बनाया गया क्योंकि ये मैक्सिमम, अगर हम देखें, एक ही धर्म को एक्सक्लूड कर रहा है, और वो कौन सा है, इस्लाम। मुस्लिम्स को ये इसमें से एक्सक्लूड कर रहा है कि मुस्लिम्स इस एक्ट के तहत भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इसका बहुत अधिक विरोध किया गया था। और उसी एक्ट में क्या कहा गया था कि इन 6 धर्मों के लोगों में से, और वो अगर इन 3 देशों से आए हैं, अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं, तो आप यहाँ प्रूफ दिखाइए कि हम पिछले 5 वर्षों से भारत में रह रहे हैं, खुद को रजिस्टर करवाइए और आप यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये थी बात CAA की। और इसी एक्ट के तहत
पहले व्यक्ति जिसको भारतीय नागरिकता मिली है उनका नाम हो जाएगा जोसेफ फ्रांसिस ए परेरिया। कहाँ के हैं वो? गोवा में रह रहे हैं, क्रिश्चियन हैं और उन्हें मिली है इसके तहत फर्स्ट नागरिकता। नेक्स्ट न्यूज देखिए, 5-year-old तेगबीर सिंह कंक्योर्स माउंट किलिमंजारो। 5 वर्षीय तेगबीर सिंह ने किलिमंजारो पर्वत पर विजय प्राप्त की। अगर हम तेगबीर सिंह की बात करें, कहाँ से संबंध रखते हैं? पंजाब के रोपड़ से संबंध रखते हैं और ये बने हैं अब तक के यंगेस्ट पर्सन माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उस पर विजय प्राप्त करने वाले या उस पर चढ़ाई करने वाले हैं। बिकम द यंगेस्ट एवर एशियन, जैसे कि मैंने कहा, यंगेस्ट एवर फ्रॉम एशिया टू स्केल द 5895 मीटर माउंट किलिमंजारो। और वो कहाँ पर लोकेटेड है? तंजानिया में लोकेटेड है और जैसे कि मैंने आपको बताया, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट किलिमंजारो, लगभग वो इक्वेटर पर ही स्थित है। एंड इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन। फ्री स्टैंडिंग माउंटेन होता है, देखिए जो पर्वत चोटियाँ होती हैं वो मुख्य रूप से किसी रेंज का हिस्सा होती हैं। जैसे सपोज ये पूरी माउंटेन रेंज और ये हो गई इसकी सबसे ऊंची चोटी, बट किलिमंजारो की अगर हम बात करें तो ये कैसी है? ये एक फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, यानी कि ये किसी भी माउंटेन रेंज का हिस्सा नहीं है। अब अगर आपसे पूछें, मुख्य रूप से 4 प्रकार के पर्वत होते हैं, जैसे फोल्ड, रेजिडुअल, ब्लॉक एंड वॉल्केनिक। अगर पूछा जाए कि किलिमंजारो किस प्रकार का पर्वत है, तो हमारा आंसर होगा किलिमंजारो इज अ वॉल्केनिक माउंटेन। अब किलिमंजारो में मुख्य रूप से 3 उसके कोन्स हैं, कीबो, मवंजी एंड शिरा। इनमें से कुछ डॉर्मेंट है, कुछ एक्सटिंक्ट है, बट अगर पूछें कि कौन सी कैटेगरी में हम किलिमंजारो को डालेंगे, तो हम उसको मोस्टली एक्सटिंक्ट कैटेगरी में ही काउंट करते हैं, यानी कि जो पूरी तरह से शांत ज्वालामुखी है जिसमें कभी विस्फोट नहीं हो सकता है। तो एशिया के सबसे यंगेस्ट पर्सन टू स्केल या फिर टू क्लिम द किलिमंजारो, 5-year-old तेगबीर सिंह फ्रॉम रोपड़ पंजाब। नेक्स्ट न्यूज़ है, सेंटर डिसाइड्स टू क्रिएट 5 new districts इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ 5 new districts इन द यूटी ऑफ लद्दाख। और 5 new districts कौन कौन से रहेंगे? जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चांगथांग। वर्तमान में अगर बात करें तो लद्दाख में 2 districts हैं, 2 जिले हैं, वो कौन कौन से हैं? लेह एंड कारगिल। लेह इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री। इनके अलावा 5 नए डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो लद्दाख में बनाए जाएंगे। लद्दाख वॉज मेड यूटी आफ्टर द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वॉज बाइफर्केटेड इनटू 2 UTs ऑन 5th of August 2019। 5th of August 2019 को ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था। लागू कब से हुआ? 31 अक्टूबर 2019 से। और जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य होता था उसको 2 UTs में डिवाइड कर दिया गया था। एक बना जम्मू कश्मीर और दूसरा बना था लद्दाख। उसी लद्दाख यूटी में अभी 5 new districts जो हैं वो उसके अंदर बनाए गए हैं। और जब ये बात हुई थी तो आर्टिकल 370 को भी वहाँ से रिमूव किया गया था, जो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, मुंबई रैंक्स 2nd, न्यू दिल्ली 3rd इन ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स। वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में मुंबई 2रे तथा नई दिल्ली 3रे स्थान पर है। कितने 44 सिटीज़ में ग्लोबली ये इंडेक्स जो है निकाला गया और उन टोटल 44 सिटीज़ में मुंबई 2nd और न्यू दिल्ली रहा 3rd पर। है क्या इन एनुअल प्राइस राइज ऑफ प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में कितना एनुअल प्राइस राइज हुआ है, उसका ये एक इंडेक्स है जिसमें मुंबई को 2nd स्थान मिला है। 1st पर कौन रहा? मनीला। फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला, वो 1st पर रहा है, यानी कि वहाँ पर प्राइस राइज सबसे अधिक हुआ है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में टू बी पर्टिकुलर, विद 26% एनुअल राइज ड्यूरिंग द क्वार्टर। मुंबई विद एन एनुअल प्राइस राइज ऑफ 13% इन प्राइम रेजिडेंस रैंक्स 2nd और न्यू दिल्ली हो जाएगा 3rd पर। अगर हम बेंगलुरु की बात करें, 15th पर रहा एंड वेलिंगटन रैंक्ड लास्ट इन द लिस्ट 44th, यानी कि इन 44 शहरों में वेलिंगटन में सबसे कम प्राइस राइज हमें रेजिडेंशियल एरियाज में देखने को मिला है। 2nd पर मुंबई, 3rd पर न्यू दिल्ली और 1st पर मनीला, द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। अगले न्यूज़ है हमारे पास इंटरनेशनल सेक्शन से, फॉर्मर लेबनीज प्राइम मिनिस्टर सलीम अल हौस डाइज एट 94। लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल हौस का 94 वर्ष की आयु में निधन। लेबनान की अगर हम बात करें, मिडल एशियन कंट्री है और मेडिट्रेनियन सी भूमध्य सागर के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, छोटा सा एशियन महाद्वीप में एक देश है। वहाँ के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं सलीम अल हौस, उनका हुआ है 94 वर्ष की आयु में निधन।
ही सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान 4 times, 4 times वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के रूप में सेवाएं दे चुके हैं, और वहाँ की राजधानी है बेरूत। कुछ वर्ष पहले आपने देखा होगा बहुत भयानक वहाँ विस्फोट हुआ था, काफ़ी चर्चा में आई थी बेरूत द कैपिटल ऑफ लेबनान, और करेंसी हो जाएगी लेबनीज पाउंड। अगली न्यूज़ देखिए, क्रिकेटर शिखर धवन अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। क्रिकेटर शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। बहुत फेमस क्रिकेटर हैं भारत के शिखर धवन, जिन्होंने रिसेंटली डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों प्रकार के क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की। उनके बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट्स। द 38-year-old रिप्रेजेंटेड द नेशनल टीम इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, मेकिंग हिज इंटरनेशनल डेब्यू इन 2010 एन ODI इन ऑस्ट्रेलिया इन विशाखापट्टनम, यानी कि विशाखापट्टनम में एक ODI में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 2010 में अपना डेब्यू किया था। ही क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय स्कोरिंग द फास्टेस्ट सेंचुरी बाय अ डेब्यूटेंट इन टेस्ट मैच एन 85-ball 100 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन मोहाली इन 2013, यानी कि ऑस्ट्रेलिया उनकी खास टीम रही होगी। जैसे कि ODI में भी उन्होंने उनके साथ ही डेब्यू किया विशाखापट्टनम में, और टेस्ट क्रिकेट में भी शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट के टीम के खिलाफ ही डेब्यू किया था, ना के साथ, खिलाफ डेब्यू किया था, कहाँ पर, मोहाली में। और ये जो टेस्ट मैच में उनका डेब्यू था, इसमें उन्होंने फास्टेस्ट 85-ball 100 भी स्कोर किया था। He is one of the 8 batsmen in ODI with over 5,000 runs at a 40+ average and a 90+ strike rate. The list includes Rohit Sharma and Virat Kohli also. और last point अगर हम देखें, IPL में विराट कोहली के बाद शिखर धवन है second highest run scorer, जैसे कि मैंने कहा, after विराट कोहली। अगली न्यूज है हमारे पास, इंडियन वुमेन क्लिंच फर्स्ट एवर टीम टाइटल एट अंडर 17 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप इन जॉर्डन। जॉर्डन में हो रही है अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, और उसमें भारत की अंडर 17 जो टीम है उसने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। भारतीय महिलाओं ने जॉर्डन में अंडर 17 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में पहली बार टीम खिताब जीता। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, जैसे कि मैंने कहाँ पर हो रही थी, अमान, जॉर्डन में हो रही थी, एंड इंडियन वुमेन विंस इट्स फर्स्ट टाइम टीम टाइटल विद 185 points। और अगर हम पूरे इंडियन वुमेन टीम की बात करें, इट्स साइंड ऑफ विद 8 medals इंक्लूडिंग 5 golds, 1 silver and 2 bronze, एंड इंडिया वन अ टोटल ऑफ 10 medals इन द चैंपियनशिप विद 2 bronze medal कमिंग फ्रॉम ग्रीसो रोमन रेसलिंग। अगले न्यूज़ अगर हम देखें, एक साथ अगर हमने बहुत बार अपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है कि जॉर्डन एकमात्र एक ऐसा देश है जो भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। एकमात्र देश कहने का मतलब है जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जैसे सीरिया, इजराइल, इजिप्ट, जॉर्डन वहीं लाई करता है, वहाँ से हमें अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो जॉर्डन उसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अगली न्यूज़ है हमारे पास, नीरज चोपड़ा फिनिशेज सेकंड इन मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट एट लॉसन डायमंड लीग 2024। लॉसन डायमंड लीग 2024 में पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने दूसरे स्थान पर रहे हैं, या फिर उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और किसको, मतलब कौन फर्स्ट पर रहा, तो एंडरसन पीटर्स ऑफ ग्रेनाडा सेट अ न्यू मीट रिकॉर्ड विद अ मॉन्स्टर थ्रो ऑफ 90.61 meters टू टेक द फर्स्ट प्लेस। और अगर आपको ध्यान हो, ये जो एंडरसन पीटर्स हैं, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है जैवलिन थ्रो में रिसेंटली, जहाँ नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला, और अभी वही ग्रेनाडा के पर्सन ने इस डायमंड लीग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, और सेकेंड पर कौन रहे, नीरज चोपड़ा। जूलियन वेबर ऑफ जर्मनी सेटल फॉर 3rd विद एन 87.08 एज पर द ओलंपिक्स.com। ये भी आपने पर्सन, अगर आई होप आपने वो प्रतियोगिता देखी ही होगी ओलंपिक्स वाली, तो जर्मनी के जो जूलियन वेबर थे वो भी जेवलिन के फाइनल्स मैच में थे हमारे पास ओलंपिक्स में, बट वो टॉप 3 में नहीं आ पाए थे। टॉप गोल्ड मेडल किसने जीता था, पाकिस्तान ने। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, 90-foot-tall ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान बिकम्स न्यू लैंडमार्क इन टेक्सस। भगवान हनुमान की 90-foot ऊंची कांस्य प्रतिमा टेक्सस में नया मील का पत्थर बन गई है। टेक्सस कहाँ लाई करता है, USA में लाई करता है, और वहाँ पर बनाई गई है लॉर्ड हनुमान की 90-foot ऊंची कांस्य प्रतिमा। A massive 90-foot-tall bronze statue of Lord Hanuman has been unveiled near Houston, Texas, called the Statue of Union. The third tallest in the United States behind only the Statue of Liberty in New York and a Pegasus and Dragon statue in Florida. It is tallest outside of India and the tallest in Texas. The project was the vision of Shri Chinnajaya Swamiji, a Padma Bhushan awardee and a renowned Vedic scholar who aimed to create a spiritual epicenter for North America. आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 90-foot ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा कहाँ बनाई गई है, टेक्सस, USA में ये रिसेंटली बनाई गई, या फिर मैं कहूँ रिवील की गई।
आप देखते हैं अगली न्यूज़ हमारे पास। नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल स्पेस डे 2024, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 की हम बात कर रहे हैं। इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री टू लैंड ऑन द मून एंड द फर्स्ट टू रीच ऑन द सदर्न पोल ऑफ द मून ऑन अगस्त 23, 2023। ये हमने अपने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था कि भारत जो है वो चौथा देश बना है मून पर पहुंचने वाला, और अगर हम सदर्न पोल की ही बात कर ले मून के, तो फर्स्ट कंट्री बनी है वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली। टू ऑनर दिस लैंडमार्क अचीवमेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अनाउंस 23rd of August एज नेशनल स्पेस डे। देखिए पिछले वर्ष ये हुआ, तो फिर 23rd of August को नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल स्पेस डे के रूप में घोषित कर दिया। आगे देखिए, इंडिया सेलिब्रेटिंग इट्स मेडन नेशनल स्पेस डे अंडर द थीम। थीम क्या रहेगी? टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। इंपॉर्टेंट थीम है, पहली बार मना रहे हैं, आप याद करके जाइए। आगे देखिए, जो चंद्रयान मिशन था हमारा, चंद्रयान 3 था, तो जहाँ पर वो लैंड हुआ उसको क्या पॉइंट रखा गया? शिव शक्ति। और लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। तो जहाँ पर विक्रम जो लैंडर था वो लैंड हुआ, उस पॉइंट का नाम दिया गया शिव शक्ति। नेक्स्ट न्यूज है डेथ ऑफ नामीबियन चीता एट कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया चीता की मौत। आपने देखा होगा, हमने रिसेंटली पिछले वर्ष जो है साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीता भारत मंगवाए, ताकि भारत में चीता के जो नंबर है उसको बढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में उनको शिफ्ट किया गया था, और वहीं पर एक चीता की और मृत्यु हुई है। This was the only free-ranging cheetah to have survived in Kuno National Park. With this death, the Kuno National Park is left with कितना 24 cheetahs, including 12 adult and many cubs. Project Cheetah was introduced in 2022. मैंने 3 कह दिया पहले, 2022, और कहाँ से लाए थे? South Africa and Namibia से, जैसे कि मैंने आपको कहा हमने cheetahs भारत में relocate किए थे। वर्ल्ड, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, वर्ल्ड वाटर वीक 2024 टू बी हेल्ड फ्रॉम 25th of August to 29th of August, यानी कि ये सेलिब्रेट हो चुका, बट आपको याद रखना है वर्ल्ड वाटर वीक, क्योंकि वर्ल्ड वाटर डे इज़ अ डिफरेंट। वर्ल्ड वाटर वीक 25 से लेकर 29 अगस्त तक हमने मनाया। अब देखते हैं आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि NSG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसको डायरेक्टर जनरल वहां का बनाया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं नलिन प्रभात, अरुण अवस्थी, रामशरण या फिर बी श्रीनिवासन। क्या होगा यहां पे हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ये बने हैं NSG के न्यू डायरेक्टर जनरल। अगला प्रश्न है, व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड? हमने पढ़ा था मेजर ध्यानचंद जी के जन्म उपलक्ष पर या फिर बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। कब हुआ था उनका जन्म? उनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश में, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, वो है भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज विजर्ड ऑफ हॉकी, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? और जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया, जो मेजर ध्यानचंद है वो हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी भारत की तरफ से रहे हैं, और उन्हें ही कहा जाता है हॉकी का जादूगर। और हमने पढ़ा था बहुत सारे ओलंपिक गोल्ड मेडल भारत को जिताने में उनका बहुत योगदान रहा है। हमारा आंसर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर डी, मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर लास्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट केम, आखिरी बार नागरिकता संशोधन कानून किस वर्ष आया था? तो सबसे रिसेंट हमने कौन सा डिस्कस किया? 2019 में आया था लास्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके द्वारा हमारे पड़ोसी देश, मेनली 3 मुख्य देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से 6 अलग अलग धर्मों के लोगों को हमने भारत में नागरिकता प्राप्त करने का अवसर दिया, अगर वो पिछले 5 वर्षों से यहाँ रह रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? हमने पढ़ा 5 वर्षीय जो तेगबीर सिंह है उसने उसको विजय प्राप्त की उस पर्वत पर, और हमारे ऑप्शंस है माउंट केन्या, अकोंकागुआ, एल्ब्रूसिया, फिर किलीमंजारो। हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा माउंट किलीमंजारो। अगर हम बाकी पर्वतों की बात करें, जो माउंट केन्या है वो अफ्रीका का 2nd सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट अकोंकागुआ दक्षिणी अमेरिका का, सदर्न अमेरिका का 1st हाईएस्ट माउंटेन है, एंड एल्ब्रूस जो है वो यूरोप का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख इज, लद्दाख का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लेह, कारगिल, नुब्रा या फिर द्रास? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेह। जो द्रास है वो भारत के सबसे कोल्डेस्ट प्लेस में से एक है।
विच सिटी टॉप्ड ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स, वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? दिल्ली, सिंगापुर सिटी, मनीला या फिर मुंबई? हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फिलीपींस की राजधानी ऑप्शन नंबर सी मनीला, और सेकंड पर कौन रहा था? मुंबई, और थर्ड पर कौन था? न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट? हाल ही में कौन से क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट दोनों से संन्यास की घोषणा की है? हमारे ऑप्शंस है मोहम्मद शमी, शिखर धवन, MS धोनी या फिर अक्षर पटेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 फुट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान बिकम्स द न्यू लैंडमार्क इन विच कंट्री? 90 फुट ऊंची हनुमान जी की जो मूर्ति है वो कौन से देश में एक नया लैंडमार्क बनकर सामने आई है? हमारे ऑप्शन है USA, कनाडा, रशिया या फिर इंडिया। हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा USA। USA के टेक्सस में इस मूर्ति को अनवील किया गया रिसेंटली, और हमारा आंसर होना चाहिए यहाँ से USA। आप लोगों के लिए जो आज का प्रश्न रहेगा, When is National Space Day celebrated? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस रहेंगे 23rd of August, 24th of August, 25th of August या फिर 29th of August। जो भी होगा राइट आंसर वो आपने हमें कमेंट्स में लिखकर बताना है। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक यू वंस अगेन।